जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आइए मेरे विद्वान मेरी विदुषियां मेरे लाल मेरी लालिया मेरे गोरे मेरी गोरियां फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और कोई स्टडी ग्रुप में है तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दें सभी दोस्तों को बुला लीजिए दीपावली के दियो के साथ प्यारे प्यारे सर की जगमगाती हुई क्लास का आनंद लीजिए आइए व्याख्यान को आरंभ कर लेते हैं यह है हमारा टेलीग्राम ग्रुप इससे आपको जुड़ जाना है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है विनर्स अब व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है तो यदि इस पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है तो फटाफट आंसर देंगे सारे विद्वान सारी विदुषियां जल्दी से कमेंट करेंगे हाँ सभी के कमेंट आने लगे हैं सभी के कमेंट आ भी रहे हैं ठीक है सभी के कमेंट आ रहे हैं किसी का आंसर ए आ रहा है किसी का आंसर बी आ रहा है बी ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है बी ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है कमेंट एक तो इतनी फास्ट निकल रहे हैं कि मैं नाम लेना मुश्किल हो गया आज तो आज तो नाम पढ़ना भी आपका मुश्किल हो गया है तो सी ऑप्शन यहाँ पर केला आ रहा है और केला यहाँ पर देखो ए ऑप्शन भी आ रहा है बच्चों का बी भी ऑप्शन आ रहा है सी भी आंसर आ रहा है और बहुत सारे बच्चे डी आंसर भी दे रहे हैं मतलब चारों ही आंसर आपने दे दिए हैं बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपका रहा अब यहां पर आप देखिए जैसे पहला शब्द क्या है प्यारे बच्चों आम्र पहला शब्द क्या है आम्र और आम्र का जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा आम तो सीधी सी बात है आम्र तो तो तत्सम शब्द हो गया और आम तो इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों ये तो तद्भव हो गया ये तो तो तद्भव हो गया तो ये फिर विदेशी भाषा का कैसे हो गया क्योंकि तद्भव शब्द तो हमारे गांव वाले लोगों ने बनाया इसे तो हम हिंदी का शब्द मानते हैं है ना तो आम हमारा आंसर नहीं हुआ आम फारसी भाषा का नहीं हुआ क्योंकि आम तो आम्र का बिगड़ा हुआ रूप है ठीक है इसी तरह आरती में जाते हैं हम भगवान की और क्या कहते हैं आपको चढ़े फल मेवा आपको चढ़े कदली फल मेवा तो कदली का जो तद्भव होता है प्यारे बच्चों कदली का जो तद्भव होता है वो होता है केला ठीक है बनाना बनाना मतलब क्या होता है केला तो कदली का तद्भव क्या हो जाएगा केला तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा अर्थात हम समझ गए कि आम और केला तद्भव शब्द है तो जो अमरुद है वो फारसी भाषा का शब्द है अमृत कैसा शब्द है प्यारे बच्चों फारसी भाषा का शब्द है अमृत शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द रहेगा इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्वानों विदुषियों सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है सरल विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा शब्द निर्मित है वो कौन सा है इस प्रश्न का आंसर देंगे सरल विशेषण से सरल विशेषण से सरला बनेगा क्या सरला अरे हट सरला तो लड़कियों का नाम होता है है ना सरलता सरलता जो है हमारा क्या बनेगा विशेषण बनेगा सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा सरल क्या है प्यारे बच्चों एडजेक्टिव सरल क्या है एडजेक्टिव है और जो सरलता है जो सरलता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जाना जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू नो कैन नॉट बी टच ओनली फील कैन नॉट बी टच ओनली फील ओके तो सरलता क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला शब्द क्या कहता है उसको हम समझेंगे अगला शब्द क्या कहता है किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के आ, लिखने के नियमों की जो व्यवस्थित पद्धति है वो क्या कहलाती है इस प्रश्न का आंसर देंगे और सभी एक बार जिस जिस स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं वहां पर लिंक को लाइक कर देंगे और कोई स्टडी ग्रुप में है तो फटाफट से लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे इतना काम प्यारे बच्चे जल्दी से करेंगे इतना काम मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से कर देंगे ओके यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है तो उसे हम वाक्य विचार कहते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं उसे हम साहित्य कहते हैं या उसे हम परिष्करण कहते हैं तो प्यारे बच्चों उसे हम क्या कहेंगे व्याकरण उसे हम साहित्य नहीं कहेंगे उसे हम साहित्य नहीं कहेंगे उसे हम परिष्करण नहीं कहेंगे वाक्य का विचार नहीं कहेंगे साथियों उसका करेक्ट आंसर होगा व्याकरण जो कि किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति होती है अगला प्रश्न देखते हैं गगनांचल में कौन सा समास है गगनांचल में कौन सा समास है हां हां बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि इसमें दीर्घ स्वर संधि शाबाश वेरी गुड वेरी गुड सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब जितने भी बच्चे देख रहे हैं लेकिन अभी जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक नहीं हुए हैं तो फटाफट से एक बार जिस जिस स्टडी ग्रुप में आप लोग एडे वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दें अपने घर वालों से भी लाइक करवाइए ताकि उनके उनको भी पता रहे कि उनके बच्चे कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं तो फटाफट से लाइक शेयर करवाइए अपने बाबू सोना से भी लाइक शेयर करवाइए जल्दी से ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे गगनांचल की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों जो गगन एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है आकाश और गगन धन गगन धन धन अंचल अंचल तो भी है, सामने भी है और शब्द क्या बन जाएगा गगनांचल यह दीर्घ स्वर संधि के तहत क्या शब्द बन गया गगनांचल यह दीर्घ स्वर संधि के तहत कौन सा शब्द बन गया बोलो गगनांचल गगन धन अंचल गगनांचल गगन और गगनांचल में लेकिन हमसे तो पूछा है समास क्या पूछा है समास तो क्या गगन रूपी अंचल कर लेते हैं गगनांचल गगन रूपी अंचल कर लेंगे या इसमें अव्ययी भाव समास लगाएंगे बिल्कुल नहीं लगाएंगे इसमें बहुबरी समास लगाएंगे बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्या यहाँ पर विशेषण विशेष से संबंध है या इसमें उपमेय उपमान संबंध है विशेषण विशेष तो संबंध इसमें है नहीं है ना विशेषण विशेष तो इसमें है नहीं उपमेय उपमान संबंध मान सकते हैं गगन रूपी अंचल या गगन का अंचल गगन के समान अंचल है ना गगन चुंबी होता तो गगन को चुमने वाला बनाते थे। है ना तो अब ये कन्फ्यूजन में ही आप लोगों आप लोग इस कन्फ्यूजन में ही रहें कमेंट बॉक्स में सेशन खत्म होने के बाद आप मुझे इसका आंसर देंगे कि इसमें तत्पुरुष होगा या कर्मधारे प्रश्न में आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगला प्रश्न है चणक का तद्भव शब्द है चणक का तद्भव शब्द कौन सा होगा चणक का तद्भव शब्द कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर दीजिए चणक का तद्भव शब्द कौन सा होगा तो भाई जो पलंग बना है ना वो तो पर्यंक से बना है जो पलंग बना है वो तो पर्यंक से बना है पर्यंक का तद्भव क्या होता है पलंग होता है चणक का जो तद्भव शब्द होता है वो चना होता है चणक का जो तद्भव शब्द होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है चना होता है चणक का तद्भव शब्द क्या होता है चना होता है जो खीर होता है उसका तद्भव शब्द क्या होता है खीर होता है और जो खरपर शब्द है उसका तद्भव क्या होता है खपरा ठीक है खरपर का तद्भव क्या बन जाता है खपरा बन जाता है और इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी चणक का तद्भव क्या हो जाएगा चना अगले प्रश्न पर आते हैं निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है ऐसा कौन सा है जो संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है इसका आंसर दीजिए जल्दी से संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है तो देखते हैं संयुक्त स्वर का उदाहरण कौन सा नहीं है भाई साहब संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर कितने होते हैं हमारे पास चार यदि हमसे पूछे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों तो चार बताएंगे जिनमें आता है ए आई ओ औ आई ओ औ ए का निर्माण किससे हुआ है प्यारे बच्चों तो अ प्लस ई से जब हमसे पूछे ए किससे मिलकर बना है तो हम बताएंगे अधन ई e से आई का निर्माण होता है विद्वानों, विदुषियों अ प्लस ए से अ प्लस ए से मिलकर क्या बनता है मेरे गोरे एवं गोरियों? आई ओ का निर्माण होता है मेरे लाल और मेरी लालियों ओ का निर्माण होता है अ प्लस ऊ से अ प्लस ऊ क्या बन जाता है ओ और औ का निर्माण होता है अ प्लस ओ से अ प्लस ओ से मिलकर क्या बन जाता है औ और इस तरह से ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं तो संयुक्त स्वर का जो उदाहरण यहाँ पर नहीं है तो ये चार संयुक्त स्वर होते हैं आपके अब संयुक्त स्वर का उदाहरण अभी नहीं माना जा सकता आ भी नहीं माना जाता लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न पूछा गया है ध्यान रखना ये आया हुआ प्रश्न है तो इसमें संयुक्त स्वर का मतलब क्या मान लिया जो दो स्वरों से मिलकर बना हो चूंकि दो अ से मिलकर क्या बनता है आ वैसे तो आ दीर्घ स्वर है लेकिन जब प्रश्न की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप एक ही आंसर दे सकते हैं तो फिर आपका आंसर होगा अ आपका आंसर होगा मैंने आपको समझा दिया संयुक्त स्वर ये चार ही माने जाते हैं आ तो दीर्घ स्वर माना जाता है लेकिन जब एक आंसर आपको लगाना ही है तो या तो आप ए लगाओ या डी लगाओ तो आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको ए लगाना है इस प्रश्न का आंसर आपको ए लगाना है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम अक्षर कहते हैं उसे हम शब्द कहते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं या उसे हम उपवाक्य कहते हैं तो वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि की सृष्टि होती है वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि की सृष्टि होती है उसे हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं शब्द वर्णों के मेल से जो बनता है वो क्या बनता है प्यारे बच्चों शब्द बनता है बनता है वर्णों के मेल से जो बनेगा वो क्या बनेगा शब्द बनेगा ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न कह रहा है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है ऊ का उच्चारण स्थान हमसे पूछा जा रहा है यदि हम बात करें कंठ्य वर्णों की तो कंठ्य वर्णों की संख्या कितनी होती है नो no. कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना है कि क ख और अह ये क्या होते हैं हमारे कंठ्य वर्ण कहलाते हैं ये क्या होते हैं हमारे कंठ्य वर्ण कहलाते हैं ठीक है ये टोटल नो होते हैं तालव्य वर्णों की संख्या यदि हम देखें तो वो भी कितनी होती है नो तालव्य कौन कौन से होते हैं हमारे पास छ छोटी बड़ी य और श तो तालव्य वर्ण भी हमारे पास कितने हो जाते हैं नो ओष्ठ वर्णों की संख्या देखें प्यारे बच्चों तो वो सात होती है ये कौन से होते हैं प फ ब छोटाऊ और बड़ाऊ ये हमारे क्या होते हैं औष्टवर्ण होते हैं दंत्य वर्णों की संख्या भी यदि हम देखें तो वो भी कितनी होती है सात और दंत्य वर्ण कौन से प्यारे बच्चों तथा दधन <coughs> तथा दधना ल और स द दधना ल और स और इस तरह से ये दंत्य वर्ण हो जाते हैं तो यहाँ पर ऊ के बारे में आपसे पूछा गया था ऊ यहाँ पर आपको दिख रहा है अर्थात ये औष्ट वर्ण हो गया इस प्रश्न का जो आंसर हो गया प्यारे बच्चों वो सी आंसर होगा इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो कौन सा आंसर होगा सी बहुत शानदार सभी के कमेंट आ रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा सभी का वेरी गुड हाँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही यह दीपावली बेरोजगारों की दीपावली है बिल्कुल ये दीपावली बेरोजगारों की दीपावली है लेकिन 10 नवंबर के बाद यही सिलेक्शन वाली दीपावली हो जाएगी ठीक है 10 नवंबर के बाद यही सिलेक्शन वाली दीपावली हो जाएगी बिल्कुल दीपावली का त्यौहार भी मनाते चलिए और साथ साथ में पढ़ाई भी करते चलिए तो यदि किसी स्टडी ग्रुप में आप लोग एड हैं तो वहां पर लिंक को जरूर फॉरवर्ड करें एक तो आपके कमेंट इतने फास्ट चल रहे हैं कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं आज मैं आपका नाम ही नहीं ले पा रहा हूं तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दें स्टडी ग्रुप हो तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दे इतना काम जल्दी से कर ले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बहुत शानदार प्रदर्शन सभी का हेतु हेतु मधुत का उदाहरण है हेतु हेतु मधुत का उदाहरण क्या है बताइए तुम आते तो मेरा काम बन जाता तुम नहीं आते तो हम मर जाते बहुत बढ़िया है ना तुम नहीं आते तो हम मर जाते इसमें कौन सा काल होता है हेतु हेतु मधुतकाल तुम आते तो मेरा काम बन जाता मतलब तुम, nope. तुम, तुम नहीं आए तो मेरा काम नहीं बना तुम आते तो बन जाते बीते हुए समय में यदि कारण बताएगा तो वो हेतु हेतु भूतकाल कहलाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा क्या कहलाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा और यही हमसे पूछा भी जा रहा है लड़के थक गए थे जाओ थको ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल लड़के थक गए थे तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल श्याम ने खाना खाया ये होता है सामान्य भूतकाल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी खा तो लिया ना सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट कहते हैं इसे अंग्रेजी में इसे अंग्रेजी में सिंपल पास्ट कहते हैं साथियों घोड़े के चार पेड़ और चार पैर दो कान होते हैं घोड़े के चार पैर और चार पैर दो कान होते हैं होते हैं ता है ती है ते है ये होता है सामान्य वर्तमान काल ये होता है सामान्य वर्तमान काल कौन सा काल हो जाएगा प्यारे बच्चों इसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल you know, you know, सिंपल प्रेजेंट टेंस यू नो यू नो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अनुराग किस रस का स्थाई भाव है अनुराग किस रस का स्थाई भाव है अनुराग शांत रस का है क्या नहीं शांत रस का स्थाई भाव तो क्या होता है प्यारे बच्चों निर्वेद शांत रस का स्थाई भाव होता है निर्वेद और देवता कौन हो जाएंगे नारायण देव देवता कौन हो जाएंगे बोलो नारायण देव हो जाएंगे वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा वत्सलता या स्नेह वत्सलता या इसे ही हम क्या कहते हैं स्नेह कहते हैं देवता इसके रहेंगे नहीं क्योंकि ये रस्त की संख्या तो नो ही होती है है ना वीर रस के देवता कौन वीर रस का स्थाई भाव हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्साह और इसके जो देवता माने जाते हैं वो इंद्रदेव को माना जाता है इसके देवता किसे माना जाता है इंद्रदेव को माना जाता है रोद्र रस का स्थाई भाव हो जाएगा क्रोध और इसके जो देवता होंगे प्यारे बच्चों वो रुद्रदेव होते हैं इसके देवता जो होते हैं वो रुद्रदेव होते हैं मैं फटाफट से सारे रसों के देवता लिख देता हूँ ताकि सारे विद्वानों विदुषियों को क्लियर रहे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है और इसके देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं ठीक है हास्य रस के देवता हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसी है हास्य रस का स्थाई भाव हास्य या हंसी है और इसके जो देवता माने जाते हैं वो प्रमथ देव माने जाते हैं इसके देवता जो माने जाते हैं प्रमथ देव माने जाते हैं श्रृंगार हास्य करुण करुण रस का स्थाई भाव प्यारे बच्चों शोक है और इसके जो देवता माने जाएंगे वो यमराज माने जाते हैं श्रृंगार हास्य करुण रौद्र रौद्र रस होता है रौद्र रस का स्थाई भाव रौद्र रस का स्थाई भाव जो है क्रोध है और इसके जो देवता माने जाते हैं वो रुद्रदेव माने जाते हैं वो रुद्रदेव माने जाते हैं श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर रस होता है वीर रस का स्थाई भाव उत्साह होता है और इसके जो देवता माने जाते हैं वो इंद्रदेव माने जाते हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या माना जाता है इंद्र श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक रस भयानक रस का स्थाई भाव, भाव क्या है प्यारे बच्चों भय या डर और इसके जो देवता माने जाते हैं वो कालदेव माने जाते हैं इसके जो देवता माने जाते हैं वो कालदेव माने जाते हैं वीर भयानक विभत्स रस होता है विभत्स रस का स्थाई भाव क्या है प्यारे बच्चों तो वो है जुगुप्सा या घृणा विभत्स रस का स्थाई भाव है जुगुप्सा या घृणा और इस रस के जो देवता माने जाते हैं वो महाकाल माने जाते हैं इस रस के जो देवता माने जाते हैं वो महाकाल माने जाते हैं श्रृंगार हास्य करुण रौद्रवीर भयानक विभत्स अद्भुत अद्भुत रस की यदि हम बात करें तो अद्भुत रस होता है अद्भुत रस होता है एक और अद्भुत रस के Uh, का स्थाई भाव होता है आश्चर्य या विस्मय अद्भुत रस का स्थाई भाव होता है प्यारे बच्चों आश्चर्य या विस्मय कहते हैं इसे और इसके देवता जो माने जाएंगे वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं इसके देवता जो माने जाते हैं वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं इसी तरह से जो नोवा रस होता है हमारा वो शांत रस होता है शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद या सम होता है निर्वेद या इसी को शकर वाला सम लिखना ध्यान रखिएगा शमशान वाला निर्वेद या सम होता है और इसके जो देवता होते हैं वो नारायण देव माने गए हैं इसके जो देवता होते हैं प्यारे बच्चों वो नारायण देव माने गए हैं ठीक तो है तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अवनी का विलोम क्या होगा अवनी का विलोम क्या होगा जब हमसे पूछे कि धरती से आकाश तक तो हम कहेंगे हाँ धरती से आकाश तलक धरती से आकाश तलक क्या बोलेंगे हम धरती से आकाश धरती का होता है प्यारे बच्चों आकाश लेकिन आकाश का विलोम पूछे तो हम लगाएंगे पाताल आकाश का विलोम पूछे तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या होगा पाताल होगा और अवनी का विलोम पूछे तो हमारा आंसर अंबर होता है का विलोम क्या होता है बोलो अंबर होता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो पहरा देता है उसे हम प्रहरी कहते हैं जो पहरा देता है उसे हम प्रहरी कहते हैं उसे हम प्रतिहार नहीं कहते हैं है ना प्रतिहार अलग शब्द है साक्षर जो पढ़ा लिखा है प्रतिनिधि जो किसी की ओर से किसी की जगह पर जो है उसकी ओर से अपना पथ पक्ष रखे उसे प्रतिनिधि कहते हैं जैसे कहीं पर विदेश में मीटिंग प्रधानमंत्री जी को जाना है प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं जा पा रहे हैं और अपनी ओर से किसी दूसरे मंत्री को वहां पर भेजते हैं तो वो प्रतिनिधि कहलाता है वो प्रधानमंत्री जी की ओर से अपना पक्ष रखेगा अपने देश की बात रखेगा तो वो प्रतिनिधि कहलाएगा प्रतिनिधि की शुद्ध वर्तनी पूछी जा सकती है प्रतिनिधि में तीनों में ही छोटी की मात्रा आती है साक्षर में संधि होती है सधन अक्षर जो अक्षर सहित जानकार है जो अक्षरों को जानता है वो साक्षर कहलाता है प्रतिहार में प्रति उपसर्ग होता है मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट कमेंट करिए और किसी स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं तो वहाँ पर लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए इतना काम कर ले जल्दी से फटाफट से कमेंट करेंगे सारे विद्वान सारी विदुषियाँ हाँ भाई हैप्पी दीपावली हैप्पी दीपावली सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं हैप्पी दीपावली के बहुत बहुत शुभकामना चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेघदूतम बिल्कुल सही लिखा हुआ है संस्कृत शुद्ध संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाएगा महाकवि ऐसे ही लिखा जाता है कवि में छोटी की मात्रा आती है महत्वपूर्ण भी ऐसे ही लिखा जाता है बिल्कुल सही है ग्रंथ की सही वर्तनी यही है सारी चीजें सही हैं इसमें बस कालिदास गलत हो गया क्योंकि कालिदास में काली में छोटी की मात्रा आनी चाहिए कालिदास की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये माता काली के भक्त थे तो इनका नाम कालिदास पढ़ा और इनका नाम कालिदास इस तरह से होना चाहिए जो कि गलत है माता काली के भक्त जरूर थे ये बात सही है लेकिन काली के भक्त होने के कारण कालिदास नाम पढ़ा और ऐसा वर्तनी में लिखे हम वो बात गलत है तो जो कालिदास है वो शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ठीक है तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो कालिदास हो जाएगा कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाओं में ध्यान रखिएगा इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है इनकी सात रचनाएं हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है जो कि विश्व की सौ प्रमुख रचनाओं में स्थान प्राप्त है उनमें से एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम उनमें से एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम कौन सी है प्यारे बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने माल विकाग्नि मित्रम बिल्कुल सही माल विकाग्नि मित्रम माल विकाग्नि मित्रम माल विकाग्नि मित्रम शाबाश माल विकाग्नि मित्रम और बताओ प्यारे बच्चों कौन सी रचना होगी तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही ये लड़के का आंसर विक्रमो विक्रमो वर्षियम विक्रमो वर्षियम एक क्या है इनकी रचना विक्रमो वर्षियम तो विक्रमो वर्षियम भी इन्हीं की रचना है और मैं आपको बता दूं ये तीनों इनके क्या है प्यारे बच्चों नाटक ये तीनों इनके क्या है नाटक हो जाएंगे ये तीन इनके नाटक हो जाएंगे बात करें इनके महाकाव्य की तो इनके महाकाव्य की यदि हम बात करें तो एक महाकाव्य है इनका रघुवंशम एक है रघुवंशम और एक है इनका कुमार संभवम ठीक है कुमार संभवम और रघुवंशम ये इनके क्या है प्यारे बच्चों ये इनके दोनों महाकाव्य कहलाएंगे ये दो इनके क्या कहलाएंगे महाकाव्य कहलाएंगे यदि हम इनके खंड काव्य की बात करें मेरे विद्वान मेरी विदुषियां मेरे लाल मेरी लालियां मेरे, मेरे गोरे मेरी गोरियां यदि हम इनके खंड काव्य की बात करते हैं तो इनका जो खंड काव्य है वो है ऋतु संहारम ऋतु संहारम और एक खंडकाव्य यदि हम इनका देखेंगे एक खंडकाव्य यदि हम इनका देखें तो वो खंडकाव्य है आपका ऋतु समाहरम हो गया और इसके अलावा मेघ दूतम मेघ दूतम ठीक है तो ये दो इनके क्या हो जाएंगे खंडकाव्य ये दो इनके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों खंडकाव्य हो जाएंगे ठीक है तो ये रचनाएं याद कर लेना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है आनंद मठ किसने लिखा शरद चंद चट्टोपाध्याय रविन्द्रनाथ टेगोर तो गीतांजलि वाले हैं श्याम सुंदर दास लिखेंगे क्या बिल्कुल नहीं लिखेंगे ये जो लिखा है वो बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात पता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है बकीम चंद्र चट्टोपाध्याय छोटे छोटे स्माल स्माल बच्चों को भी ये बात पता है की, आनंद मठ के रचयिता कौन है चंद्र चट्टोपाध्याय ओके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों किस शब्द में कर्मधारे समास है किस शब्द में कर्मधारे समास है ठीक है रणवीर तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों रण में वीर और जब रण में व्यक्ति वीर होता है तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास की ओर बढ़ जाता है वो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है क्या कहलाता है बोलो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास है सिर दर्द सिर में दर्द सिर में दर्द और सिर में दर्द ये भी किस में चला गया अधिकरण तत्पुरुष समास में चला गया ये भी किस में चला गया अधिकरण तत्पुरुष विचार मग्न विचार में मग्न है विचार में मग्न है भाई साहब तो ये बाकी के तीनों तो अधिकरण हो गए ना ये भी अधिकरण में चला गया अधिकरण में पर का लोप कहाँ पर होता है अधिकरण में होता है दुष्चरित्र यानी बुरा है जिसका चरित्र दूह दूह है जिसका चरित्र कोष्टक में लिख सकते हैं बुरा है बुरा है जिसका चरित्र बुरा है जिसका चरित्र और अच्छा बुरा काला गोरा खट्टा मीठा फीका तीखा लाल गुलाबी लंबा चौड़ा ठींगना बोना मोटा पतला चतुर चतुर्चाला कन्याई पापी क्रोधी मूर्ख ईमानदार बेमान दुष्ट ये सब क्या होते हैं हमारे विशेषण होते हैं और जब विशेषण विशेष से संबंध होता है तो वहां कर्म समास होता है अतः इस प्रश्न का आंसर होता है बी अतः इस प्रश्न का आंसर होता है बी वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है तो कर्ता संप्रदा ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर के आधार पर हमें बताना है अधिकरण वाला होता तो क्या होता में या पर संप्रदान में क्या आता है के लिए ठीक है करण होता तो क्या आता से संबंध में क्या आता है बेटा का की के का लोभ हो तो वो संबंध कारक होता है लेकिन इसी में क्या आता है सर्वनाम की स्थिति में रारी वह कार मेरी है मेरी है मे की ना हो के मेरी है बात तो एक ही है तो इसमें कौन सा कारक हो गया हमारा संबंध कारक हो जाएगा इसमें जो कारक हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हमारा संबंध कारक हो जाएगा क्लियर है सभी को सभी के कमेंट आ रहे हैं हाँ बिल्कुल बहुत शानदार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की फटाखों के साथ फुलझड़ियों के साथ आप इस व्याख्यान का भी आनंद लेते रहिए ठीक है ताकि दस नवंबर के एग्जाम का हम निकाल लें कुछ ऐसा निचोड़ कि इस बार इस पेपर को हम देंगे फोड़ तो आइए जल्दी से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना अर्थ किस मुहावरे से प्रकट होता है अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना यह अर्थ किस मुहावरे से प्रकट होता है सब नौबत होना सबज बाग नजर आना सब्ज बाग नजर आना मतलब बस अच्छा अच्छा दिखना हरियाली हरियाली दिखना अपनी अलग दुनिया बसाएंगे अपनी अलग दुनिया होगी है ना किसी को सब बाग दिखा रहे जैसे कोई लड़का है पहले नहीं होता था गाँव वगैरह

तो जैसे छोटे छोटे केले हैं तो भी पच्चीस रुपए दर्जन बड़े केले हैं तो भी पच्चीस रुपए दर्जन तो हम कहेंगे अरे यार ये तो सब धान बाइस पसेरी हो रहा है सबको एक डंडे से हाकने का मतलब होता है सबको एक समान समझना ठीक है अच्छा बुरा सबको एक समान समझना तो सब धान बाईस पसेरी होगा और सबको एक समान देखना तो वो होता है सबको एक डंडे से हाँकना अगले प्रश्न क्यों चलते हैं अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा अतिवृष्टि मतलब जहां ज्यादा बारिश हो जाती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं अनावृष्टि का मतलब होता है जहां कम बारिश होती है अनावृष्टि का नीदेध 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 मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों जहां पर कम बारिश होती है उसे अनावृष्टि कहा जाता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं संकर शब्द का अर्थ है संकर शब्द का मतलब होता है वो तत्सम होते हैं होते है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें है। वाला हमारा आंसर नहीं होगा तद्भव तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों का तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप प्यारे बच्चों क्या कहलाता है तद्भव कहलाता है विदेशी शब्द जो आगत शब्द हैं जो बाहरी भाषा से आए हैं जो विदेशों से आए हैं उन्हें हम आगत शब्द के नाम से जानते हैं और दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है वो संकर शब्द कहलाता है और इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है डी इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों डी आंसर हो जाता है दो भाषाओं के मिश्रण से मतलब जैसे रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी देशज है और हम कहते हैं रेलगाड़ी तो रेल कहाँ से आया अंग्रेजी से आया गाड़ी कहाँ से आया हिंदी से आया तो दो अलग अलग भाषाओं का क्या हो चुका है मिश्रण हो चुका है अश्रु मतलब होता है आंसू आशु। तो अश्रु संस्कृत का शब्द है गैस अंग्रेजी का है तो अश्रु मतलब तत्सम शब्द हो गया प्यारे बच्चों और गैस अंग्रेजी का हो गया और इस तरह से ये भी दो भाषाओं के मिश्रण से बना है तो ये संकर शब्द कहलाते हैं ठीक है मुर्दाघर एक संकर शब्द होता है एक संकर शब्द होता है रेल यात्रा एक संकर शब्द होता है शादी ब्याह एक संकर शब्द है जेब कतरा एक संकर शब्द है जेब कतरा भी कैसा शब्द है एक संकर शब्द है जेब खर्च है यदि तो ये भी एक संकर शब्द में आता है ठीक है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं उच्चारण के समय जीप की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए जाते हैं उच्चारण तो के समय जीव की स्थिति के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो तीन भेद होते हैं प्यारे बच्चों एक होता है हमारे पास अग्रस्वर एक होता है हमारे पास अग्रस्वर एक होता है हमारे पास मध्य स्वर एक होता है हमारे पास पश्च स्वर ठीक है अग्रस्वर मध्य स्वर और पश्चिम स्वर यह हमारे पास तीन भेद होते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो सुबह आठ से दो में हमारा बेच चल रहा है नया बेच आरंभ हुआ है एमपीटेड मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग तीन कंप्लीट वी ऑनलाइन कोर्स मिलेगा आपको फोर इसका चार्ज रखा गया है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पंद्रह पेपर्स व्याख्या सहित और इसकी फीस है मात्र 149 मात्र रखी गई है ठीक है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एमपीडेट शिक्षक वर्ग तीन पेडोगोलॉजी शिक्षा शास्त्र संपूर्ण विषयों की पेडोगोजी फ्री ई बुक दो हज़ार प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन और विनर्स ऐप पर फ्री ई बुक यहाँ मिलेगी आपको तो कहाँ मिलेगी ये यहाँ पर बताया गया है एम पी डेट शिक्षक वर्ग तीन विनर्स की सभी बुक्स आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध है इंग्लिश की बुक है हिंदी भाषा की है गणित की है प्राइस मैंशन कर दी गई है पूरे भारत में कहीं से भी घर बैठे ऑर्डर करने के लिए विनर्स पब्लिकेशन की बुक है ना ऑर्डर नाउ ओके डाउनलोड विनर्स पब्लिकेशन ऐप ओके फ्री वीकली टेस्ट प्रत्येक सप्ताह विनर्स ऐप पर फ्री टेस्ट होते हैं संस्कृत व अंग्रेजी दोनों विषयों के साथ होते हैं तो डाउनलोड द विनर्स ऐप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बादल का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए बादल का तत्सम शब्द क्या होगा इस प्रश्न का आंसर देंगे तो मेघ मेघा में है ये चारों ही बादल होते हैं इन चारों का मतलब क्या होता है बादल इन चारों का मतलब बादल होता है लेकिन हमसे ये पूछा है कि बादल का तत्सम शब्द क्या होगा तो वारिद व का ब बन जाता है और इस तरह से करेक्ट आंसर होता है सी है ना वट वृक्ष को बड़ का वृक्ष कहते हैं वानर को बंदर कहते हैं वक पक्षी को बगुला कहते हैं ठीक है वर यात्रा को हम लोग बरात कहते हैं वनवास को बनवास कहते हैं वाणी को वाणी कहते हैं और इस तरह से व का ब बन जाता है तो करेक्ट आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों सी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी म और ह हो जब भी म हो तो हमें क्या कर लेना है महा और उत्सव से हम इसका क्या कर लेंगे मेल कर लेंगे तो महाधन उत्सव इसमें होती है प्यारे बच्चों गुण स्वर संधि इसमें जो होती है वो होती है गुण स्वर संधि और इस तरह से महाधन उत्सव करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव है तो देखो प्रधन प्रांगण हो जाएगा प्रांगण मतलब आंगन का पर्याय है आश्रम में स्र है ही सही वैसे ही तत्सम हो जाएगा उद्देश्य भी तत्सम है प्यास जो है हमारा तत्सम शब्द नहीं है यह तद्भव है पिपासा पिपासा से क्या बनता है प्यास ठीक है पिपासा से क्या बनता है प्यारे बच्चों प्यास बनता है तो पिपासा हमारा तत्सम होगा जिसका तद्भव क्या हो जाएगा प्यास ठीक है आगे बढ़ते हैं यह किताब रमेश को दे दो इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित कारक को विभक्ति कीजिए बड़ा शानदार प्रश्न है टपकाने वाला प्रश्न है बड़ा शानदार प्रश्न है टपकाने वाला प्रश्न है हंड्रेड आप लोग इसमें गलत आंसर देंगे मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट

झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो रंगा सियार मतलब होता है झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता रंगा सियार मतलब जो धोखा देता है धोखेबाज व्यक्ति रंगा सियार है ना रंगा हुआ सियार को रंग दिया तो शेर थोड़ी दिखेगा है ना जो जो धोखेबाज व्यक्ति है वो रंगा सियार मुहावरे का हमारा अर्थ होता है ना झूठ बोलने वाला व्यक्ति होगा न डरपोक व्यक्ति होगा न वीर व्यक्ति होगा ठीक है अगला प्रश्न है पथिक के रचनाकार कौन है पथिक के रचनाकार कौन है पथिक नामक रचना के रचनाकार कौन है तो हमने याद कर रखा है कि राम नरेश त्रिपाठी जी एक रास्ते से जा रहे थे और जो रास्ते से जाता है और जो रास्ते से जाता है उसे हम क्या कहते हैं पथिक कहते हैं रास्ते में इनका किसी से मिलन हो जाता है जिससे एक बार हम मिल लेते हैं वो फिर हमारे स्वप्न में भी आने लगता है और उसका नाम मानसी था और उसका नाम मानसी था तो ये चारों ही राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचना है पथिक मिलन स्वप्न मानसी राम नरेश त्रिपाठी जी एक रास्ते से जा रहे थे तो ये पथिक थे रास्ते में इनका किसी से मिलन हो गया जिससे एक बार हम मिल लेते हैं वो फिर हमारे स्वप्न में भी आता है और उसका नाम मानसी था अगले प्रश्न क्यों चलते हैं अंडे का शहजादा अंडे का शहजादा का मतलब क्या होता है अंडे का शहजादा मतलब क्या होता है शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबके कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल आपस में ही बातचीत चल रही भैया आज तो आज तो सब आपस में ही बातचीत कर रहे हैं हाँ हमें तो कोई शुभकामना क्यों देगा एक दूसरे को ही शुभकामना दे लो है ना देखो देखो ये कमेंट जा रहे हैं एक दूसरे को शुभकामना दी जा रही है एक दूसरे को सर को तो भूल ही गए ना प्यारे बच्चों आप सर को तो भूल गए आज सर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना माना कि आपका त्यौहार है लेकिन इस त्यौहार को हमें कुछ खास भी तो बनाना है है ना तो आपको इधर भी ध्यान देना है प्यारे प्यारे सर की ओर आज प्यारे प्यारे सर पर किसी का ध्यान ही नहीं है सब समझ रहे हैं हम सब समझ रहे हैं हम कि आप भी सब समझ रहे हो ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अंडे का शहजादा कमजोर व्यक्ति होता है चालाक व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति नहीं जो अनुभवहीन होता है उसे कहते हैं अंडे का शहजादा है भाई साहब किसी बात का अनुभव नहीं है इसको तो सब विरासत में मिला हुआ है ठीक है तो उसे हम कहते हैं अरे भाई साहब वो तो अंडे का शहजादा है वो तो अंडे का शहजादा है ओके चले अगले प्रश्न प्रश्न अगला क्या कहता है? 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 है, कि वनवास वनवास किसकी किसकी रचना है। वेदे ही रचना है। तो ये जो अयोध्या उपाध्याय इन्हीं की रचनाओं में आपको मिलेगा प्रिय प्रवास, इन्हीं की रचनाओं में मिलेगा बात करते हैं लेकिन ये तीन इनके क्या है महाकाव्य है ये तीन इनके क्या है प्यारे बच्चों महाकाव्य ध्यान रखना ये तीन इनके क्या है महाकाव्य है ये तीन इनके महाकाव्य हैं इसी में आपको रस कलश मिल जाएगा प्रिय प्रवास रस कलश पद्य प्रसून पद्य प्रसून ठेठ हिंदी का ठेठ हिंदी का ठाठ ठेठ हिंदी का ठाठ चुभते चौपदे चुपते चौपते चुपदे चौपदे है ना चौखे चौपदे ये सब किसकी रचना है भाई साहब ये सब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओन की हमें ध्यान रखना है ये जो हरिओन जी हैं इन्हीं को हिंदी में कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है इन्ही को हिंदी में कवि सम्राट के नाम से जाता जाना जाता है और इन्हीं का एक और नाम है आधुनिक युग का सुरदास इन्हीं को आधुनिक युग का सुरदास कहा गया है प्यारे बच्चों यदि आपसे पूछ ले कि आधुनिक युग का सुरदास इन्हें किसने कहा है आधुनिक युग का सूरदास इन्हें किसने कहा है तो आपको बताना है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और उसके अंदर ये कवि हरिओन जी को आधुनिक युग का सूरदास कहकर संबोधित करते हैं तो गणपति चंद्रगुप्त डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक युग का सूरदास कहा था ये चीज ध्यान रखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देश सेवा में कौन सा समास है देश सेवा में तत्पुरुष समास होगा देश सेवा में कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास होगा क्योंकि देश में कोई संख्यावाची शब्द मेंशन नहीं है ना विशेषण विशेष का संबंध है ना ही कुछ यहां दिखाई दे रहा है तो इसमें जो समास होगा वो हमारा तत्पुरुष समास होगा निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो तत्सम है अरे भाई साहब ये तो जन्म होता है ना जन्म को ही हम लोग क्या कहने लग गए जन्म ये जन्म होता है और जन्म का विलोम भी तत्सम का विलोम तत्सम होगा तो जन्म का विलोम क्या होता है मृत्यु लेकिन जन्म का विलोम क्या होता है मरण है ना जन्म का विलोम क्या होता है मनम देखो ये जन्म होता है तो हम लोग क्या कहते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा अगर न मिलते इस दुनिया में अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा बोलते हैं कि नहीं इसी तरह से देखो ये शब्द क्या है कार्य तो क्या हो जाएगा कारज काज हो जाएगा यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर होगा चूर्ण और चूर्ण का तद्भव क्या बनता है चूरण चूर्ण का तद्भव क्या बनता है चूरण तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों ए आंसर होगा बहुत शानदार बहुत शानदार सभी बच्चे हंस रहे हैं सबके कमेंट आ रहे हैं बहुत बढ़िया प्रदर्शन सभी को जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और कोई स्टडी ग्रुप में है तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दें फटाफट से जुड़ जाए सभी आगे बढ़ते हैं शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी शिक्षण

जो uh, है सहायक होती है शिक्षण सामग्री तो you know, you know, तो सहायक होती है तो शिक्षण प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग यू नो रुचिकर यू नो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शिक्षण सामग्री सहायक होती है तो वैविध्यपूर्ण वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय है मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है अरे अब फास्ट जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे मिलावट मिलावट में क्या है भैया आवट मिलाना एक क्रिया है और मिलावट में भाववाचक संज्ञा फिर मिलावट होती है मिलाप होता है तो उसे हम फील करते हैं केवल कैन नॉट बी टच ओनली फील तो आवट एक मिलावट में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और मिलाप में भी भाववाचक संज्ञा होती है करेक्ट आंसर सी होता है अगले प्रश्न क्यों चलते हैं अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है तो मैंने कई बार आपको याद करवाया है ध्यान रखिएगा प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास को याद रखने के लिए एक लाइन याद रखो कि प्रेम का मंगल सूत्र अधूरा होता है प्रेम का मंगल सूत्र प्रेम का मंगलसूत्र अधूरा होता है प्रेम का मंगलसूत्र अधूरा होता है घर वाले जो करवाते हैं घरवाले जो करवाते हैं वह पूरा होता है घर वाले जो करवाते हैं वह पूरा होता है घर वाले जो करवाते हैं वह पूरा होता है प्रेम का मंगलसूत्र अधूरा होता है घर वाले जो करवाते हैं वो पूरा होता है तो यहां से आप याद रख लेना कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था तो मंगल सूत्र नामक उपन्यास अधूरा रह गया था जिसे बाद में इनके बेटे ये मंगल सूत्र जो अधूरा रह गया था ये 1936 की रचना है 36 सिक्स की में इसे लिखा था लेकिन ये अधूरा रह गया था और बाद में इनके बेटे के द्वारा इसे पूरा किया गया था बाद में मुंशी प्रेमचंद के बेटे ने इसको पूरा किया था ठीक है तो ये सब प्रेमचंद जी के उपन्यास है चारों ही प्रेमचंद के उपन्यास है और इस प्रश्न का आंसर होगा सी अगला प्रश्न है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है तो जो स्किनर है वो कहता है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं 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 बच्चे जो हैं वो अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं ऐसा जो कहने वाले थे उनका नाम है स्कीनर ठीक है स्कीनर उनका नाम क्या है बेटा स्कीनर अगले हम बात करें कि अंत क्रिया के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं ये वाइगोस्की का कहना है और बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है ये चोमस्की का कहना है बच्चों में बच्चों में भाषा सीखने की बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है जन्मजात होती है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है ये कथन जो कहा गया है ये चौमस्की ने कहा है ये कथन जो कहा है प्यारे बच्चों ये चौमस्की नामक विद्वान के द्वारा कहा गया है यदि हम बात करें कि बच्चे सामाजिक अंत के द्वारा भाषा सीखते हैं बच्चे सामाजिक अंत के द्वारा भाषा सीखते हैं बच्चे सामाजिक अंत क्रिया के द्वारा अंत क्रिया के द्वारा भाषा सीखते हैं अंत क्रिया के द्वारा भाषा सीखते हैं यह बात किसने कही है तो यह बात जो कही है ये कही है ये कही है वाइगोत्स्की ने यह बात किसने कही है वाइगोत्स्की ने यह बात कही है ठीक है तो ये आप याद रख लेना ये दो तीन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है सृजनात्मकता तो ये जीन पियाजे का कहना है है ना किसी के कथन का उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा किसी के कथन का उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा बड़ा अच्छा प्रश्न है और उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे मैं आपके लिए तीन चार प्रश्न भी छोड़ रहा हूं ताकि कमेंट में भी आप लोग मुझसे बात करें ठीक है तो सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं इस वाक्य में कुर्सी शब्द में कारक है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं इस वाक्य में कुर्सी शब्द में कारक है करण कारक है संप्रदान कारक है संबंध कारक है या अधिकरण कारक है तो अधिकरण में पर अधिकरण में पर ध्यान रखिएगा अधिकरण में पर अधिकरण में पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है डी जल्दी से आंसर दीजिए सबको यहाँ तक समझ में तो आ रहा है क्लियर है ना सबको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं शुद्ध वर्तनी बताए शुद्ध वर्तनी बताइए शुद्ध वर्तनी इनमें से किसमें है इस प्रश्न का हमें आंसर देना है शुद्ध वर्तनी इनमें से किसमें है इस प्रश्न का हमें आंसर देना है जल्दी से बताएंगे शुद्ध वर्तनी इनमें से किसमें है मत्स्य में है शोणित में है लालसा में है भी मत्स्य तो ऐसा होता है ना मत्स्य थोड़ी होता है मत्स्य पालन होता है मत से होता है ना तो ये वाला भी गलत है शोणित ये नहीं होगा शोणित ये वाला होगा और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा किसी चीज को पाने की क्या होती है लालसा तो इसमें ससरोते वाला आता है तो ये भी नहीं आएगा अतः करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्लियर है सभी को यहाँ तक समझ में आया कभी किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ ले ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ जल्दी से नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हाँ दीपावली का त्यौहार है आपका आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और ये भी मिठाई विठाई केक वेक भेज फालतू कमेंट बॉक्स ना भरे है ना फिर हमारे मोबाइल में चिटियाँ घुस जाती है सीधे मिठाई का डिब्बा घर पहुँचना चाहिए यहाँ कोई फालतू में मिठाई का डिब्बा ना दिखाएं हमें कि सर ये डिब्बा हम आपको भेज रहे हैं ये ये ऐसा नहीं भेजें है ना मोबाइल में चिटियाँ घुस जाएंगी हमारे आप सीधा जो है डिब्बा हमारे घर भिजवाइए ठीक है थीके? या इंस्टीट्यूट में भिजवाइए घर का तो एड्रेस आपको नहीं पता होगा आप इंस्टीट्यूट में भिजवा दें इंस्टीट्यूट में आप डिब्बा भिजवा दें क्योंकि हम भी इंस्टीट्यूट में ही हैं घर तो हम भी नहीं है, है ना तो जल्दी से इंस्टीट्यूट में डिब्बा सीधे लेकर आप पहुंचेंगे न कि ऑनलाइन भेजेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा जल्दी से बताइएगा निद्रा आती है कि आता है निद्रा आती है मूर्खता किया जाता है कि की जाती है तो मूर्खता की जाती है सुंदरता होती है और कपट किया जाता है यहां से हमें पता चल जाएगा देखो कपट क्या होता है कपट किया जाता है तो इससे पता चलेगा कि कपट शब्द क्या है पुल्लिंग और सुंदरता क्या होती है हम बोलते हैं ना सुंदरता होती है मूर्खता की गई मूर्खता की गई उनके द्वारा मूर्खता की गई निद्रा आती है निद्रा आती है निद्रा जाती है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो ए आंसर होगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न कह रहा है गंभीर का विलोम शब्द है गंभीर का विलोम शब्द होता है तो गंभीर वह बच्चा बड़ा ही गंभीर है मुख का वाचाल होगा तो वह बच्चा बड़ा ही गंभीर है वह बच्चा बड़ा ही शरारती है या उत्पाती है यहां पर भी दो ऑप्शन है आपके समक्ष जो कि आपके मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि दीपावली के इस महोत्सव पर आप डाउट में ही रहें इन दो में से कौन सा आंसर आएगा यह भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ वह बच्चा जबकि ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं आपको तो गंभीर है मतलब बड़ा ही शांत बालक है तो हम उत्पाती बालक लगाना चाहिए या हमें शरारती बालक लगाना चाहिए ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ठीक है कौन सा ऐसा है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर तो अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना जो आपने कहा है उसकी आपको तार्किक पुष्टि करना है उसका तर्क देना है कि देखो ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ भाषा का सृजनशील मतलब सृजनशील मतलब कुछ नया बच्चों में सीखने की उत्कंठा होती है और कल्पना करके बच्चों को बताना है बिल्कुल रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना भी हो सकता है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना बच्चों को आप पूर्णतः कंठस्थ कराओगे वो बिल्कुल नहीं करेगा हमसे पूछा है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो व्याकरण को बच्चों को कंठस्थ कराना छोटे बच्चों को ये भाषा शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा ये भाषा शिक्षण का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं रहेगा इसमें हमारे भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं रहेगा प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सीमा कुत्ते से डरती है जा डर इस वाक्य में कौन सा कारक है सीमा कुत्ते से डरती है तो जा डर हमारा क्या लेती है है कि नहीं तो इसमें कौन सा कारक है अब मान लो यहां पर है सीमा सीमा ध्यान रखना ये सीमा किसी लड़की का, का नाम है ये वो सीमा नहीं है जो पाकिस्तान से आई थी ठीक है ये सीमा है और जो है ये कुत्ते से डरती है तो ये यहाँ पर क्या है कुत्ता है अब ये कुत्ते से डरेगी तो सीमा कुत्ते के पास जाएगी या डरेगी तो उससे दूर भागेगी दूर भागेगी ना तो इसमें अपादान कारक होगा इसमें जो से है वो अपादान होगा क्योंकि अपादान वाले से में दूर होने का बोध होता है अपादान वाले से में दूर होने का बोध होता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा उज्जवल शब्द की शुद्ध वर्तनी यही है आपको इस बात का ध्यान रखना है प्रोज्वल की सही वर्तनी यही है आपको इस बात का भी ध्यान रखना है विद्युत ज्योति की भी सही वर्तनी यही है आपको इस बात का भी ध्यान रखना है और ऐसे में क्या हो जाएगा उत धनज्वल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों बी होता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एक वाक्य शुद्ध है उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली भारत काश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है वहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है आपकी राय से काम जरूरी है आपकी राय से काम जरूरी है मैं कहता हूँ यहाँ पर बच्चे टपकेंगे मैं कहता हूँ यहाँ पर बच्चे टपकेंगे और जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर सभी को सी जो है सी वाला आंसर गलत नजर आ रहा है सभी को यहाँ पर सी वाला आंसर गलत नजर आ रहा है पर सी गलत नहीं है तू गलत है तेरे इरादे गलत है सी वाला बिल्कुल सही है ध्यान रखना मिस्टान नहीं होता है मिस्टान ही होता है हम जो लिखते हैं ना मिष्ठान ठठेरे वाला वो हम गलत लिखते हैं आप लोग यदि ऐसा लिख रहे हो तो भी आप गलत हो यदि आप इसे ऐसा लिख रहे हो तो भी आप गलत हो जो शब्द होता है वो मिष्ठान होता है और मिष्ट धन अन्न है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यही वाक्य हमारा शुद्ध है दीर्घ स्वर संधि के तहत मिष्टान्न बन जाएगा यही वाक्य हमारा शुद्ध है यहाँ काश्मीर है तो ये वैसे ही गलत है बहुत सी पुस्तकें एकत्रित एक कर ली बहुत सी पुस्तक के ऑलरेडी एक से ज़्यादा को बता रहा है तो फिर बहुत सी लगाने की जरूरत नहीं है तो ए भी गलत बी भी गलत डी भी गलत करेक्ट आंसर क्या है इस प्रश्न का सी हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो सी होगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है ऐसी कौन सी पुस्तक है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है इस प्रश्न का हमें आंसर देना है फटाफट से इस प्रश्न का आंसर देंगे कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड करेंगे अपने दोस्तों को भी बुला लेंगे प्यारे प्यारे विद्वान प्यारे प्यारे विदुषिया सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है कायाकल्प प्रेमचंद के द्वारा लिखा उपन्यास है रंगभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है प्रेमाश्रम प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है जय पराजय हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों बी आंसर होता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है बच्चों में चित्रांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है बच्चों में रेखांकन लिपि चिन्हों के माध्यम से तो लिपि चिन्हों या अक्षर बनावट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है उम्मीद करता हूँ कि सभी को सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर देंगे नया ऑफलाइन बेच हमारा चल रहा है एमपीडेट वर्ग तीन का नया बेच आरंभ हुआ है समय रहेगा सुबह आठ से दो बजे तक का प्रवेश आरंभ हो चुके हैं यहाँ लिखा है प्रवेश आरंभ हो चुके हैं डेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग तीन ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे मात्र फोर डबल नाइन में डाउनलोड द विनर्स एप ठीक है आगे बढ़ते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 15 पेपर्स आपको मिल जाएंगे जो कि व्याख्या सहित मिलेंगे प्यारे बच्चों और इसका प्राइस रहेगा मात्र 149 149 में आपको 15 पेपर मिलेंगे और इनकी व्याख्या सहित ये पेपर मिल रहे हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे इसके लिए आपको विनर से डाउनलोड करना है ध्यान रखना अंतिम दिनों में प्रैक्टिस आपके लिए महत्वपूर्ण काम आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये साबित होती है एम्पिटेड शिक्षक वर्ग तीन पेडोगोजी पेडोगोजी के प्रश्न बच्चों के बहुत गलत होते हैं और सारे सब्जेक्ट की पेडोगोजी के लिए दो हजार प्लस प्रश्न है और मुद्दे की बात है कि ये फ्री है ये मुद्दे की बात है कि ये फ्री है तो फ्री ई बुक आपको मिल रही है ये कहाँ पर मिलेगी विनर्स पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करने पर आपको मिलेगी एमपी डेट शिक्षक वर्ग तीन विनर्स की सभी बुक्स आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है आप अपने आसपास के भी जिस जिले के रहने वाले हो तो वहाँ पर नज़दीकी बुक स्टोर पर, पर जाकर पूछेंगे तो आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी इंग्लिश हिंदी भाषा गणित ये बुक भी आपको मिल सकती है तो डाउनलोड विनर्स पब्लिकेशन ऐप फ्री वीकली टेस्ट होता है हमारे यहाँ प्रत्येक सप्ताह जो टेस्ट होता है प्रत्येक सप्ताह विनर्स ऐप पर फ्री टेस्ट है संस्कृत व अंग्रेजी दोनों विषयों के टेस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे तो आप इसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं डाउनलोड द विनर्स ऐप आगे बढ़ते हैं व्यापम एम की भी अच्छी खासी किताबें हैं और किताबों को मंगवाने के लिए आपको विनर्स पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करना है पूरे भारत में पूरे भारत में ऑल इंडिया ऑल ओवर द इंडिया समझ रहे हो पूरे भारत में कहीं से भी घर बैठे आप बुक ऑर्डर कर सकते हो फ्री डिलीवरी ऑल इंडिया रहेगी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यदि किताब आपको मंगवानी है तो आपको विनर्स पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करना है कोई कोर्स परचेस करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है हमारा और किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो कोई दिक्कत आती हो है ना पहले तो ये चीज़ें हैं जो मैं समझा रहा हूं इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है आपको तो इन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है ये हमारे ऐप के फीचर्स रहेंगे मैंने जो भी पढ़ाया उसकी पी डी टेलीग्राम पर आपको प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम पर आप प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सकते हैं परीक्षा संबंधी जानकारी व लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं और यूट्यूब क्लास की पी भी प्राप्त होती है आप देख रहे हैं अभी द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर इतने सारे हमारे चैनल हैं सभी चैनल पर निरंतर कोई ना कोई क्लास लगातार चलती रहती है ठीक है तो आप सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर पर रोजाना 11 बजे प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं रोजाना ग्यारह बजे और रोजाना चार बजे भी प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है साथ ही दोस्तों में यह जानकारी शेयर करना है कि प्यारे प्यारे सर रोजाना इस टाइम पर आते हैं यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन खत्म होने के बाद प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा सभी को अगेन दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे से बीते अगले साल जब दीपावली आए उससे पहले पहले आपके अकाउंट में एक मैसेज आए योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिट ठीक है इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को दीपावली की अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत सायोनारा सायोनारा